प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ से पैसा निकालने के नियमों में फेरबदल करने वाला आदेश केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। मंगलवार को श्रम मंत्रालय ने 10 फरवरी 2016 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने जानकारी देते हुए कहा कि मजदूरों की मांग को देखते हुए सरकार ने अपना आदेश वापस लिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों श्रम मंत्रालय ने पीएफ निकालने पर नए नियम लगाने का ऐलान किया था। इसमें 58 साल से पहले पूरी रकम निकालने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन जोरदार विरोध के बाद सरकार ने नए नियमों को लागू करने वाले नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। पीएफ पर हिंसा की आग जब बेंगलुरु से दिल्ली पहुंची तो सरकार ने सरेंडर कर दिया है। नए नियम को फौरन बदल दिया गया और पीएफ निकासी के नियमों के लिए जारी सर्कुलर को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया। यानी अब पीएफ अकाउंट होल्डर पहले की तरह अपने पीएफ को निकाल सकेंगे। मौजूदा नियमों के तहत नौकरी छोड़ने के 2 महीने के बाद कोई शख्स पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है। 10 फरवरी 2016 को जो नोटिफिकेशन दिया गया था, जिससे मजदूर जो है उसके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के बाद ही ले सकता था, लेकिन अभी यह नोटिफिकेशन मैंने रद्द कर दिया। इससे अभी पुरानी पद्धति चलती है। दरअसल मंगलवार को बेंगलुरु में कपड़ा फैक्ट्री के कर्मचारियों ने नए पीएफ नियम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और आगजनी की। घटना के कुछ ही घंटों में केंद्र सरकार हरकत में आई। पहले सरकार ने प्रस्ताव को 3 महीने टालने की घोषणा की, फिर बाद में उसे वापस ले लिया। हमारे को विचार निकला है कि ये भी अमाउंट जो है, ये 3.6% अमाउंट जो एम्प्लॉयर से मिलता है, वो अमाउंट में से भी हमारे एम्प्लॉय विड्रा कर ले सकता है। इसके लिए उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसकी हेल्थ के लिए, या उसके जो घर में जो शादी वगैरह होता है और मकान खरीदता है, ऐसे विषयों के लिए वो उसको हमने इसको ऑपरेशन करने के लिए हमने छूट दिया है। फरवरी में केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 58 साल की उम्र पूरा करने के बाद ही पीएफ की निकासी हो सकेगी। हालांकि बाद में सरकार ने इसमें ढील देते हुए कुछ खास परिस्थितियों में पीएफ निकासी की मंजूरी दी थी, लेकिन अब सरकार ने सभी प्रस्तावों को वापस ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।